ज्योति जलती है और जब तक वो ज्योति जलती है ये इंसान जीवित रहता है, और जब ये ज्योति बुझ जाती है तो ये मनुष्य हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो जाता है। सुनिएगा कहना क्या, क्या या में सहस्रभान उदय होत, कहते हैं इस काया के अंदर सहस्र में सचारों धान में सूर्य उदय होते हैं। कैसे करे क्यों सोच रे उजियारी, बहुत बढ़िया, और सुंदर है लेकिन सुनिए कलश भरे या के अंदर, क्यों घट में शंकर विष्णु ब्रह्मा, बहुत बढ़िया बेटी, क्यों अरे घट में शंकर विष्णु ब्रह्मा, क्यों अरे तारे तारे सूरज बसे चंद्रमा, क्यों कहना चाचा जी क्या, अरे गंगा यमुना बहे त्रिवेणी, चाचा जी अरे गंगा यमुना बहे त्रिवेणी, क्यों अरे या में एक लग रही स्वर्ग नसेनी, क्यों तेरी काया मंदिर, क्यों अरे अमृत कलश भरे याके अंदर, और घट में शंकर विष्णु ब्रह्मा, अरे घट में शंकर विष्णु ब्रह्मा, क्यों क्या बात है, अरे तारे सूरज बसे चंद्रमा, अरे गंगा यमुना बहे त्रिवेणी, और क्या अरे गंगा यमुना बहे त्रिवेणी, क्यों क्या बात है, अरे या में एक लग रही स्वर्ग नसेनी, क्यों या में एक बैठोए सुंदर सुआ, चाचा जी कहना है क्या, अरे या में एक बैठो सुंदर सुआ, क्या अरे जल से भर रहो उलटो हुआ, क्यों अरे जल से उलटो भर रहे कुआ, क्यों कहना है क्या, पने हारन आई बिन ले, क्यों अरे लाकन कहे या में बनो चो मेला, छिपिया अपने किया में से
साखी से मिलान चाचा जी क्या किरायो काया कुटिया को क्यों किरायो काया कुटिया को ये तो थी शाखी। आइए चलते हैं एक अच्छे से प्रश्न की तरफ। गौर करिएगा, एक समय की बात, हस्तिनापुर के अंदर महाराज पांडुराज किया करते थे। इधर समय आने पर उनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। हस्तिनापुर का राजाभिषेक करा दिया गया महाराज अंध के लिए। राज चलता रहा। कुछ समय पश्चात रानी गांधारी और रानी कुंती भोले बाबा के शिवालय में पूजा करने वास्ते चली आई। सज्जनों, इधर रानी कुंती कहती है, हे भोलेनाथ, महाराज अंध के बाद मेरा बेटा युधिष्ठिर राज का उत्तराधिकारी बनना चाहिए। हाँ सज्जनों, इधर रानी गांधारी कहती है, हे भोलेनाथ, मेरे पति के बाद मेरा बेटा दुर्योधन राजा बनना चाहिए। इधर पीछे मुड़कर देखा रानी गांधारी ने, कुंती नजर पड़ गई, कहने लगी, कुंती तू भोले बाबा के शिवालय में चली जाए, यहाँ से बड़ी आई पूजा करने वाली। कुंती ने कहा, क्यों बहन, क्या मैं रानी नहीं? क्या मेरा पति राजा नहीं था? रानी गांधारी ने कहा, तू रानी है, तेरा पति राजा था, लेकिन बना कैसे? ले सुन, क्या कहा कि छोटो भैया राज करे। क्या कहा? अरे छोटो भैया राज करे और बड़े को मन होए फीको है। अरे बिल्लो के भागिनते कुंती कैसो टूटियो छिको है। मेरे प्रीतम है गए अंधे। क्या कहा? मेरे प्रीतम है गए अंधे, तकदीर फूट गई मेरी और कुंती अब धार करेगी ना। आहा सजनो, जब इतने शब्दों को कहा, कहने लगी गांधारी, तू ये समझ रही है कि मेरा पति अंधा है तो तेरे बेटे को राजा बना दिया जाएगा? कदाप नहीं, राजा बनेगा मेरा दुर्योधन। और ले सुन, कहने लगी भैया जी क्या क्या कहा? अरे शीश बंधे या के ताज बंधे क्या युवराज त्रियो गौर करिएगा। इधर जब गांधारी ने इतने शब्दों को कहा, कुंती ने कहा, बहन
आज तुझे अभिमान हो गया। लेकिन इधर गांधारी ने कहा, कुंती कितनी भी बड़ी बन जा, लेकिन हमेशा चाहे रानी बन जा चाहे महारानी बन जा, लेकिन हमेशा मुझसे छोटी रहेगी। सुन, अब तक बहुत देख ली तेरी। क्या कहा? अब तक बहुत देख ली तेरी, अब हरगिज युद्ध ठनेगो रे। अरे कितनी पूजा कर दुर्योधन, अब युवराज बनेगो रे कि काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना। क्या कहा? अरे काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना, ये तो पहले ही है गई देरी। और कुंती अब तार करेगी ना। हाँ सजनों, जब इतने शब्दों को कहा, सुनिएगा इधर। जैसे ही रानी कुंती ने सुना, कहने लगी, बहन क्या कहा तूने कि तेरा पति अंधा है? रानी गांधारी ने कहा, हाँ अब भी कहती हूँ कि मेरा पति अंधा है। कुंती ने कहा, तू तो अंधी नहीं है, तेरा पति तो अंधा है। जुबान को लगाम डाला गांधारी और कहने लगी, सुनिएगा क्या कहा भैया जी, क्या कहा? सुन रही कुंती, क्या कहा? अरे बात देर से सुन रही कुंती, और ऐसी बोली बानी है। क्या कहा? अरे तेरे पति की, क्या कहा? हाँ अरे तेरे पति की आंख गई थे, गयो आंख निको पानी है। अरे मेरे पति ने लाज चलायो। क्या कहा? हाँ सुन, जगत जान रे सारे है। अरे पूजा पे, अरे पूजा पे अधिकार मेरा, लखन उबर के बारो, लखन उबर के बारो है, लखन उबर के बारो है, पूजा पे अधिकार मेरा, लखन उबर के। हाँ जी, चार मिनट से गानों गाऊं गुरुदेव? चार मिनट। हाँ जी, गानों तो नहीं होगा साहब। सुनिए, इधर जैसे ही कुंती ने इतने शब्दों को कहा, रानी गांधारी ने कहा, क्या कहा तूने? सुन, मेरे 100 पुत्र और तेरे केवल 5 पुत्र, क्या होगा तेरा उन 5 पुत्रों का मेरे 100 पुत्रों के सामने? कुंती को हंसी आ गई और कहने लगी, बहन तेरे 100 पुत्र और मेरे केवल 5 पुत्र एक बराबर है। ले सुन, सुनिएगा क्या जवाब दिया कैसे। अरे लाल मेरे 5 अलबेलरी बेनाला, तेरी बेहन।